लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए जयपुर और जयपुर ग्रामीण के सेक्टर मजिस्ट्रेट और पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए वाहनों का अधिग्रहण शुरू हो गया है। राजस्थान कॉलेज, भवानी निकेतन, जामिया तुल हादिया में अधिग्रहित वाहनों को रखा जा रहा है। राजस्थान कॉलेज की बात करें तो यहां करीब 600 वाहनों का अधिग्रहण किया गया, 290 बसों और 300 से ज्यादा कारों को लाया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने अधिग्रहित वाहनों के लिए दरें तय कर दी है, उसी हिसाब से भुगतान की व्यवस्था भी रहेगी। 18 अप्रैल को मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। वही 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति के तुरंत बाद राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। उससे पहले जिला निर्वाचन विभाग ने आरटीओ के माध्यम से गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया और इस समय हम राजस्थान कॉलेज में हैं, जहां से 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतपेटियां जो हैं वो रवाना होंगी। उसमें ईवीएम है, वीवीएम मतदान केंद्रों के लिए 18 तारीख को रवाना होगी। उसके लिए देखिए आप, गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया है। बताया जा रहा है कि 600 से अधिक गाड़ियों का अधिग्रहण है। 3 दिन पहले ही गाड़ियों को यहाँ एकत्रित किया गया है ताकि एंड मूवमेंट पर कोई परेशानी नहीं आए। इन्हीं गाड़ियों में बताया जा रहा है कि 300 बसें हैं जिनका अधिग्रहण किया गया है, उनमें पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी 18 तारीख को मतदान केंद्रों के लिए और 19 तारीख को मतदान के तुरंत बाद वही वाहन पोलिंग पार्टियों के साथ राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में आएंगे। आप देख सकते हैं वाहनों के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है और जिन वाहनों को सड़क चलते भी जब्त किया गया है उनके कागजात यहाँ तैयार हो रहे हैं और खाने पीने रहने और डीजल की व्यवस्था का इंतजाम जिला निर्वाचन की तरफ से किया गया है। और बड़ी बात यह है, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में वाहनों का अधिग्रहण किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ लोकसभा चुनाव में भी वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। हमारे साथ गणपत जी हैं जो एडिशनल आरटीओ हैं। सर, कितनी गाड़ियों का अधिग्रहण हुआ है और कैसे कैसे किस किस मेक की गाड़ी? लगभग 300 के आसपास बसों का रिक्विजिशन होगा यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्रों में जाने भेजने के लिए राजस्थान कॉलेज से, और 290 के आसपास छोटी गाड़ियों का रिक्विजिशन होगा। ये रिक्विजिशन का लगभग एक टेंटेटिव आंकड़ा यहाँ पे रहेगा। 18 तारीख को बताया जा रहा है कि यहाँ से मतदान दल रवाना होंगे, कब रवाना होंगे वो अब सारी सारी एक बात, जो भी मतदान की प्रोसीडिंग्स हैं, प्रक्रिया है जिन पर चस्पे लगेंगे और उसके बाद में जो पोलिंग पार्टीज़ है, ईओ टीम्स वगैरह है, सारी सारी जाने के बाद में उसके बाद ही रवाना हो पाएगी सारी सारी गाड़ियाँ। शाम से पहले पहले मोस्ट प्रोबेबली सारी सारी गाड़ियाँ जो है अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में पहुँच जाएगी। और वाहन जो अधिग्रहण किए गए हैं इनको कितना किराया दिया जा रहा है, किस रूप में किराया? जो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित फॉर्मेट है, हर वाहन का अलग अलग किराया है, उस फॉर्मेट के अनुसार जो है किराया इनके खाते में सीधा जो है भुगतान किया जाएगा। इनसे सारी फॉर्मेलिटीज ली जा रही है, साथ साथ में इसमें खाते के नंबर आ रहे हैं, उसमें आरसी आ रही है, कॉपी आ रही है, तो उससे डिटेल्स के अनुसार जो है ऑनलाइन इनको पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, कोई भी मोड में ऑफलाइन नहीं होगा। देखिए हर बार इनकी शिकायत रहती है कि साहब खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई, पानी के लिए टैंकर तक नहीं रहते हैं, तो इस बार क्या व्यवस्था की? इस बार प्रशासन को पहले एक बार बता दिया गया था कि इस बार जो है इनकी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लास्ट टाइम भी यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी, कैंटीन की व्यवस्था थी, लेकिन हो सकता है शायद कुछ कमियाँ रही हो, लेकिन इस बार जो है कोशिश करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था माकूल बनी रहे। जी देखिए, जिला प्रशासन का भी दावा है कि इस बार पूरी व्यवस्था रहेगी ताकि किसी भी वाहन चालक को कोई परेशानी नहीं आए। हमारे साथ यहाँ वाहन चालक भी बहुत सारे हैं। आप लोगों की गाड़ी अधिकृत की? हाँ जी। क्या गाड़ी चलते समय ही अधिग्रहित की गई या पहले से पूर्व में सूचना थी? चलते हुए। क्या किराया दिया जाएगा, किस रूप में गाड़ी ली गई है? पिछली बार का पता है, इस बार कोई सूचना नहीं है, न पेपर में आई ना उसमें आई। पिछली बार जब आपकी गाड़ी का अधिग्रहण किया गया तो यहीं आपकी गाड़ी थी, क्या व्यवस्थाएं थी, संतुष्ट थे आप? पिछली बार तो ठीक था, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था पिछली बार भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। अभी भी हम 6 बजे से यहाँ देख रहे हैं, ना कोई पास में रेस्टोरेंट है, ना कोई चाय की दुकान है, और बस चल रहा वैसे धक्के से। जिन वाहन चालकों की गाड़ी अधिग्रहित की गई है उनका ये कहना है कि पिछली बार जो व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था है, सुबह 6 बजे से गाड़ी लेकर यहाँ बैठे हैं लेकिन चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि 18 तारीख को यहाँ से सारे वाहन रवाना होंगे, उससे पहले इनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।